दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण शांत चित्त रे आत्म बल भरे जीते हर बार अगर झूठ ना पाए लक्ष्य हो जाए सूक्ष्म सा छुपा होकर मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ा इसके ऐसा क्यों करण पुत्र ऐसा क्यों किया तुम्हें कुछ हो जाता तो दुर्गम के प्राण संकट में थे पिताश्री किंतु तुम्हें ऐसा साहस करना उचित नहीं था करण पुत्र प्राताश्री कहा है सुषेण कौन है ये तेरा पुत्र देवता का प्रसाद है ऐसा दिव्य बालक मैंने सारे संसार में नहीं देखा ये क्या है आदिरथ सुषेण ये कैसा रथ है कहा था ना मैंने ये दिव्य रथ है आपने देखा किस प्रकार एक 7 वर्षीय बालक इस रथ में बैठकर महान रथी बन गया ये इस दिव्य रथ का ही प्रताप है अन्यथा इस बालक में क्या शक्ति ये दिव्य रथ मुझे दे दीजिए महाराज मैं कल प्रातः काल ही आकर 100 मुद्राएं आपको दे जाऊंगा समय पर अधिकार है तुम्हारा है कल का प्रातः काल तुमने आज ही देख लिया नहीं बस
ध्यान ज्ञान और दान कल पर नहीं टाले जाते। चलो चलो हम आज ही तुम्हारे हाथों दान स्वीकार कर लेते हैं। राधा तुम इन दोनों बच्चों को लेकर घर जाओ। उन्हें दे दो उनका क्रोध कम हो जाएगा। राधा आई। राधा ने इस बालक को जन्म नहीं दिया, इसकी माता मेरी पत्नी थी, मेरी दूसरी पत्नी। तुम साथ जा सकते हो, किंतु तुम्हें कर्ण को अपना पुत्र कहना होगा।
अधिराज। हाँ भ्राताश्री। राधा कहाँ है? राधा, राधा भ्राताश्री यहाँ है। आज ये धन प्राप्त हुआ है तुम्हारे पुत्र कर्ण के कारण। अद्भुत बालक है राधा, ऐसा दिव्य बालक पाकर तुम धन्य हो गई हो। वास्तव में चमत्कारी है कर्ण। अवश्य, उसका जन्म ही मेरे लिए एक चमत्कार रहा है। होगा ही, अवश्य होगा। लोगों को पता ही नहीं चला कि रथ की दिव्यता कर्ण के कारण थी। रखो इसे अधिरथ, इस धन पर कर्ण का अधिकार है। रख लो इसे, दोनों बालकों की गुरु दक्षिणा के रूप में रख। रखो। हम ये धन स्वीकार नहीं कर सकते जेठ जी। करण को पालना ही मेरी जीवन की एक पीड़ा है और इस पीड़ा को कम करने कोई इच्छा नहीं है मुझे। ये क्या कह रही है तुम्हारी पत्नी सुषेण? भ्राताश्री, आप जिस प्रकार धन कमाते हैं वो दूषित है। ये समाज दूषित है सुषेण, दुष्ट है। इसलिए तो मैंने मूर्ख बना था। हाँ, हूं मैं तो हूं, किंतु ये वो कारण नहीं जिसके लिए तुम्हारी पत्नी ये धन नहीं ले रही। यदि ये कार्य करने नहीं शून्य किया होता और मैं ये धन तुम्हें देता तो तुम अवश्य लेती। हाँ, अवश्य स्वीकार करती, किंतु इस धन का स्वीकार मुझसे नहीं होगा जेठ जी, क्षमा कीजिए। अंधा नहीं मैं, देख रहा हूं। राधा सोन और कर्ण के बीच भेद करती है। कोई गहन रहस्य छुपा है तुम्हारे परिवार में। ऐसा कुछ नहीं भ्राताश्री। रहस्य यदि है तो इस परिवार में नहीं, कहीं बाहर से आया है। तात्पर्य? तात्पर्य ये। मौन रहो राधा। रहस्य बाहर से आया है? क्या रहस्य? अधिरथ, मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूँ, प्रश्न पूछने का अधिकार है मुझे, किंतु उत्तर देने का अधिकार नहीं है मुझे भ्राताश्री। क्षमा कीजिएगा। तो फिर अपनी पत्नी का व्यवहार ठीक करवाओ सुषे। ऐसा दिव्य बालक माता का प्रेम प्राप्त नहीं करेगा तो फूल की भांति कुबला जाएगा। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, किंतु मृग उसे जान नहीं पाता। ऐसे ही राधा स्वयं अपने पुत्र की महानता को नहीं पहचानती। मृग की नाभि में जो कस्तूरी होती है उसी के कारण मृग के प्राण जाते हैं जेठ जी, प्राण जाते हैं जेठ जी, प्राण। और उसी कस्तूरी की गंध मृग को विचलित करके दौड़ाती है। ऐसे कस्तूरी से मृग कैसे प्रेम कर सकता है जेठ जी? भी इसे प्रेम नहीं दे पाऊंगी, प्रेम नहीं दे पाऊंगी, प्रेम नहीं दे पाऊंगी, प्रेम नहीं दे पाऊंगी।
कर्ण पूरे 12 वर्षों तक केवल पत्ते खाकर मैंने तपस्या की है, तब जाकर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन है जो हमारी तपस्या भंग करने आया है? समस्त गांव वाले जानते हैं कि रात्रि में शमशान में आना वर्जित है। मैं यहाँ साधना कर रहा हूँ, जानते नहीं? मैं भी साधना करने आया हूँ। ताऊ कहते हैं पत्ते खाकर साधना करने से सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परंतु ये बहुत कड़वे हैं। मैं बिना पत्ते खाए साधना करूंगा, आधा ज्ञान तो प्राप्त होगा। इस समय तुम्हें शमशान में आते भय नहीं लगता बालक? किसका भय? मृत्यु का। भूत पिशाच यहाँ तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे, जानते नहीं? आपका भक्षण नहीं किया तो मेरा भक्षण क्या करेंगे? इस छोटी सी आयु में क्या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है बालक? कस्तूरी मृग की नाभि से कस्तूरी निकालने का ज्ञान। सूर्य के कारण ही उस मृग की मृत्यु होती है। अब आप मौन रहिए, मुझे ज्ञान प्राप्त होने वाला है। आओ पुत्र। आधी रात में तुम्हें कस्तूरी मृगों की चिंता क्यों है बालक? यदि कस्तूरी के कारण मृग की मृत्यु नहीं होगी तो मेरे कारण मेरी माता की मृत्यु नहीं होगी। मेरी माता को भय है कि मेरे कारण उनकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए वो मुझे प्रेम नहीं कर पाती। और मुझे मेरी अनुज छोड़ की भांति माता का प्रेम प्राप्त करना है। क्या नाम है तुम्हारा पुत्र? कर्ण। राधे कर। कितने समय में ज्ञान प्राप्त होता है? घर जाओ कर्ण, तुम्हें साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। घर जाकर अपनी माता से कहना कस्तूरी के कारण मृग की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि कस्तूरी मृग के जीवन का प्रमाण है। कस्तूरी की सुगंध और मृग का जीवन एक साथ ही समाप्त होता है। और अपनी माता से यह भी कहना कस्तूरी के कारण ही मृग असामान्य होता है। ये आपको इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? क्योंकि मैंने कस्तूरी मृग देखे हैं पुत्र, हिमालय के ऊंचे शिखरों पर। क्या मैं एक मृग लाकर माता को दिखा दूं? क्या वो मानेंगी? कृपया करके मुझे हिमालय जाने का मार्ग दिखाइए। नहीं पुत्र, तुम वहां नहीं जा सकते, वहां का मार्ग अति दुर्गम है। वहां केवल एक बहुत बड़ा योद्धा ही पहुंच सकता है। मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अपने हाथों से भोजन करता हूँ और भोजन भूमि पे भी नहीं गिराता। किंतु क्या तुम धनुर्धारी हो? धनुर्धारी? धनुर्धारी क्या होता है? जिसके पास धनुष होता है। अगर मेरे पास धनुष होगा तो क्या मैं वहां पहुंच जाऊंगा? हाँ,
किंतु धनुधारी बनने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। यदि मेरे परिश्रम से मुझे माता का प्रेम मिले तो कोई परिश्रम बड़ा नहीं। आपका धन्यवाद। आपके दिए गए ज्ञान से मैं धनुधारी बनकर माता के लिए कस्तूरी मृत अवश्य ले आऊंगा। तुम्हारी निर्भयता देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अवश्य किसी ऊंचे क्षत्रिय वंश के पुत्र हो। तुम अवश्य धनुधारी बनोगे। उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये पत्ते खाने की आवश्यकता है? नहीं, तब तो मैं विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी बन जाऊंगा। भगवान सूर्य, आज दौड़ मेरे घर तक होगी। सच है आप? कहाँ चले गए थे? साधना करने गया था पिताश्री। मैं ज्ञान प्राप्त करके आया हूँ। अरे वाह वाह, क्या ज्ञान प्राप्त किया पुत्र? ज्ञान प्राप्त हुआ और मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे वाह पिताश्री, मुझे एक धनुष चाहिए। तुम्हें धनुष का क्या काम पुत्र? धनुष पाकर मैं बहुत बड़ा धनुर्धारी बन जाऊंगा। उसके पश्चात एक कस्तूरी मृग ले आऊंगा। तो मेरे कारण माता की मृत्यु नहीं होगी ना पिताश्री? तुम्हारी माता का जीवन बहुत लंबा है ना, तुम्हें कसूरी मृग लाने की आवश्यकता है और ना ही धनुष उठाने की। तुम्हें ज्ञात है पुत्र के धनुष क्या होता है? तो आज क्यों और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वास्तविक धनुष क्या है बताऊंगा। पास के गांव में मथुरा से धनुष आया है दर्शन हेतु। वहां बहुत सारे धनुर्धारी कत्र होंगे और धनुर विद्या की प्रतियोगिता भी होगी। शुभ
चलो, ताऊ हमें धनुष दिखाने लिए जा रहे हैं। प्रताश्री, एक सूत के पुत्र को धनुष के दर्शन करवाने से क्या लाभ? हानि भी क्या है? सूतों को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है, ये बात आप जानते हैं। पर जिस चीज का अधिकार नहीं, उसका आकर्षण जीवन में विष घोल देता है। किसी वस्तु का अधिकार छीन लेने से ही उस वस्तु का आकर्षण निर्मित हो जाता है। सुशील, माता का प्रेम प्राप्त कर लिया होता तो कस्तूरी का विचार भी नहीं करता। वो प्रेम नहीं दिला सकते तो संतोष तो पा लेने तो उसे। एक बार कर्ण धनुष देख ले, उसे संतोष हो जाएगा। वैसे भी समाज को समझने के लिए भी समय है उसके पास। किंतु विचार कीजिए प्रदर्शनी, यदि कर्ण में उत्तम धनुधारी बनने की शक्ति हुई तो सिद्ध हो जाएगा कि ऊंच नीच के भेद मिथ्या है। और जो मिथ्या है उसका मान क्यों? यदि कर्ण ने धनुष उठा लिया तो क्या होगा? क्या क्षत्रिय उसे क्षमा करेंगे? बालकों की कोई जात नहीं होती सुशील। सूत के पुत्र को भी सुख पाने का अधिकार है। यदि कर्ण को वह धनुष देकर सुख मिलता है तो उसे वो सुख मैं अवश्य दिलाऊंगा। कर्ण चोन, शीघ्र करो पुत्र, शीघ्र करो। आज हम धनुष दर्शन के साथ उन क्षत्रियों को एक दिव्य रत्न भी दे जाएंगे। वही तो है धनुष। जाओ स्पर्श कर लो धनुष। जीवन में प्रथम और अंतिम बार। लक्ष्य भेद करने वाला एक भी क्षत्रिय हमें नहीं मिला। क्या इस नगर में है कोई महान धनुर्धारी जो व्यक्ति उस लक्ष्य का भेदन करेगा? उसे धनुष फेंक दिया जाएगा। मथुरा से आया अपराजित नाम का ये धनुष। मुझे मेरा धनुष मिल गया। अब ये प्रतियोगिता तो मुझे ही जीतनी पड़ेगी। इतना बड़ा धनुष, आप तो इसे उठा भी नहीं सकोगे। We'll be right back.
पवन की थी शादी को पवन की। लक्ष्य भेदने के लिए हमें बाण पवन की दिशा के अनुरूप छोड़ना होगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कर सकते हैं लक्ष्य भेद। क्यों नहीं, किंतु आप तो बालक है, आपको कौन प्रतियोगिता में भाग लेने देगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कर सकते हैं लक्ष्मेद। क्यों नहीं, किंतु आप तो बालक है, आपको कौन प्रतियोगिता में भाग लेने देगा। क्षमा कीजिए। चलो क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं, अभी बताता हूँ। कहाँ भाग रहे हो दुष्टों? कहाँ गई ये बालक, छोड़ूंगा नहीं, अवश्य उसी दिशा में गए होंगे। कर्ण, सुन, कर्ण, कर्ण, रानी पाता उसे, कर्ण जी। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? दादा श्री धनुष उठाने जा रहे हैं।
कर्ण कर्ण सुन सुनो सज्जनों, क्षत्रियो और धनुर्धारियो, क्या इस नगर में है कोई महान धनुर्धारी? कर्ण उत्तम, मैं प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूँ। पिताश्री पिताश्री, देखो कर्ण। हाँ पुत्र पण। कर्ण, क्या आर्यवर्त में कोई धनुर्धारी नहीं? क्या सारी पृथ्वी शक्तिहीन हो गई है? कोई नहीं जो अपराजित धनुष से लक्ष्य भेद सके? कोई है जो प्रयत्न करने का साहस लेकर जन्मा हो? मैं प्रयत्न करूंगा। इन बालकों को तो देखो, कैसे एक के ऊपर दूसरा खड़ा है। क्या साहस है, अद्भुत बालक। क्या ये केश माता की चोटी काट कर लगाए हैं? नहीं, घोड़े की पूंछ काट के लगाए। जाओ बालक, यहाँ प्रतियोगिता हो रही है, खेल नहीं। और कोई है जो धनुष उठाने का साहस कर सके? महोदय, मुझ में साथ। जाओ पुत्र, खेल खेल में इस धनुष से तुम्हें लग भी सकती है। जैसे इन क्षत्रियों को लग गई थी। मुझे बस एक अवसर दे दीजिए महोदय, मुझे माता के लिए कस्तूरी मिल्क लाना है, उसके लिए मुझे इस धनुष की आवश्यकता है। जाओ पुत्र जाओ। चलिए भ्राता। बालक को खेलने दीजिए महोदय। हाँ, वैसे भी इन योद्धाओं और इन क्षत्रियों ने बालकों जैसा ही तो प्रदर्शन किया था। मुख बंद रखो, अन्यथा मस्तक उतार लेंगे। अरे पहले धनुष तो उठाओ, फिर मस्तक काटने की बात करना। बालक उठाओ धनुष और दिखा दो इन क्षत्रियों को कि तुम्हारे खेल और इनकी विद्या में कोई अंतर नहीं। आओ पुत्र, पहले इस धनुष को उठाने का प्रयत्न तो करो। सज्जनों सुनो, अब यह बालक इस धनुष को उठाने का प्रयत्न करेगा।
दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित्त रे आत्म बल भरे जीते हर वारा गण, छूट ना पाए लक्ष्य हो जाए सूक्ष्म सा छुपा हो कण, मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ाओ इसके तन। लक्ष्य उस दिशा में है, इस दिशा में नहीं। Thank you.
पिताश्री पिताश्री, मेरा मित्र कर्ण जीत गया। कर्ण! कौन है बालक? अरे राधा चाची का पुत्र, जिनके पास अब रथ ठीक कराने जाते हैं। कर्ण मेरा मित्र है। अधिरथ? अधिरथ का पुत्र? सूत का पुत्र? सूत का बालक है ये? एक सूत के बालक ने प्रतियोगिता में भाग लिया? इसे तो दंड मिलना ही चाहिए। इसे दंड मिलना ही चाहिए। दंड मिलना ही चाहिए। अवश्य दंड मिलना चाहिए। अपमान है, इसे दंड मिलना ही चाहिए। ये क्षत्रियों का अपमान है, इसे दंड दिया जाएगा। दंड दिया जाना चाहिए इसे। इस बालक को दंड दिया जाना चाहिए। नहीं 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 बहुते, ये बालकों का खेल है, बालकों का खेल है। इसे इतना महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं। एक सूत के बालक को धनुष उठाने की अनुमति किसने दी? ये क्षत्रियों का अपमान है, इसका दंड दिया जाएगा। क्षत्रियों का अपमान है, इसे दंड दिया जाएगा। इसे दंड अवश्य दिया जाएगा। सूत का पुत्र यदि इतनी धनुर्विद्या जानता है तो उसे जीवित नहीं रखा जा सकता। सूत और अन्य जाति के लोगों में इससे विद्रोह की प्रेरणा मिल सकती है। हाथ काट दो इस बालक के।